आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी के लिए हर एक राज्य का बच्चा फॉर्म भर सकता है और अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में सेंटर्स भी दिए गए हैं, एग्जाम सेंटर्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, किस तरीके की वैकेंसी है, रेगुलर है या नहीं है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू निकाली गई है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप देखें तो सैलरी के बारे में बता दिया गया, 80,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है इन हैंड, 80,000 क्लियरली डिक्लेयर कर दिया गया, 80,000 रुपए सैलरी होगी। यहां पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के बेसिस पर होगा, पहले आपका फेज वन होगा, फिर फेज टू होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो लॉ ग्रेजुएट अगर आप हैं, यानी लॉ की डिग्री अगर आपके पास है ग्रेजुएशन की, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहां पर एक और पॉइंट बताया गया है कि जो कैंडिडेट है वो अगर फिफ्थ ईयर ऑफ द फाइव ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, अगर आपने 5 साल का लॉ कोर्स लिया है और उसके 5वें साल में अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप 3 साल वाला कोर्स कर रहे हैं और उसके आप 3री साल यानी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर हम देखें तो ये भी लिखा गया कि द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल, यानी रिसर्च और एनालिटिकल स्किल कैंडिडेट में होना चाहिए, राइटिंग एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, रिट्रीवल ऑफ डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सर्च इंजिन प्रोसेसेस सच एज ESCR, मैन्यूपेट्रा, SCC ऑनलाइन, कुछ चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम एज 32 ईयर आपकी होनी चाहिए, यानी कि 20 से 32 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन के मेथड की मैंने पहले ही बता दी थी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो 3 फेजेस में होगा। पार्ट वन में यानी फेज वन में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो फेज टू आएगा। फेज टू में सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि लिखित पेपर होगा सब्जेक्टिव। उसके बाद अगर आप पार्ट टू यानी फेज टू को भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आएगा फेज थ्री, जिसमें आपको इंटरव्यू देना होगा। और सारी चीजें अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको यहां पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन इस सिलेक्शन में एक चीज जानने वाली है, जो कि यहां बताई गई है कि डिटेल्स ऑफ द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट आर गिवन इन स्कीम ऑफ इंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पर आप अगर देख रहे होंगे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट, आप बिल्कुल भी यहां पर बोल नहीं सकते कि हमको रेगुलर या परमानेंट कर दीजिए, आप क्लेम नहीं कर सकते। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट बेसिस पर आपकी भर्ती की जाएगी 2024 और 25 के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चॉइस ऑफ टेस्ट की अगर हम बात करें, चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें, यानी एग्जाम का जो सेंटर है, पार्ट वन और पार्ट टू वो अलग अलग, यानी फेज वन और फेज टू का जो एग्जाम होगा वो अलग अलग जगहों में होगा, भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेंटर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल में आपको सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। सेंटर कौन कौन से है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, दिल्ली है, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची और श्रीनगर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम में भी है। एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो रिटर्न एग्जाम जो आपका होगा वो आपका होने वाला है 10 मार्च 2024 को। कब होगा, 10 मार्च 2024 को आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कितनी लगेगी, जब आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे तो इस वेबसाइट के थ्रू आपको भरना है, sci.gov.in, यहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ऑनलाइन फॉर्म आपके 25 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, भरे जाएंगे 15 फरवरी तक, 15 फरवरी 2024 तक। इसके लिए आपको ₹500 फीस पेमेंट करना है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। यहां पर ऊपर ही आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट के बेसिस पर आपकी भर्ती की जाएगी, तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगना चाहिए या फिर आप ये क्लेम नहीं करेंगे कि हमें रेगुलर क्यों नहीं किया, रेगुलर अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा है। यहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन टर्म्स ऑफ स्कीम ऑफ इंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट।
असाइनमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया January 2024 फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए पैनल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 90 कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट इनिशियली ऑन ए कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन ऑफ 80,000 पर मंथ। ठीक है, सैलरी वगैरह आपको सब कुछ बता दी गई है। पूरे भारत के जितने भी ऐसे बच्चे जिनके पास लॉ की डिग्री है वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।